हमें अपने बच्चे को कभी भी किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे सगे भाई बहन हो या जॉइंट फैमिलीज में ये मेन प्रॉब्लम आती है कि उसका बच्चा तो ऐसे बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा। हर एक की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। हमें कभी भी बच्चे को मानसिक तनाव नहीं देना। अगर उसके एग्ज़ाम में 97% मार्क्स आ गए तो उसको शाबाशी देनी है ताकि जीवन में वो आगे बढ़ सके, ना कि उसको कहना कि तुम्हारे फ्रेंड के तो 98 आ गए, वो कैसे आ गए। 1% के पीछे छोटी क्लासेस में क्यों तंग करते हो बच्चे को, क्यों उसको मानसिक तनाव देते हो? इससे नहीं देना, वो बच्चा पढ़ने की जगह और ढीठ हो जाएगा कि बोलते रहो मैं तो ऐसे ही करूँगा। अगर हम उसे शाबाशी देंगे तो वो और पढ़ेगा, जिससे उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको और ताकत मिलेगी। अगर घर से शाबाशी मिलेगी तो बहुत अच्छा बच्चा आगे कर सकेगा, ना कि वो अपना चुपचाप बैठा रहेगा, ओह मेरे तो 97 ही आए हैं, मेरी मम्मी भी नाराज़ हो रही है, मेरे पापा भी नाराज़ हो रहे हैं। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। इसके और कई फैक्टर होते हैं मानसिक विकास के लिए, कि हम उसको कितना समय दे पा रहे हैं और वो कितना हमारे साथ कोप अप कर रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है। कभी सगे भाई बहनों में भी कभी भी कंपेयर नहीं करो, होगा क्या, बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे और उसका सीधा असर बच्चे के डेवलपमेंट में पड़ता है। क्योंकि हम दुखी रहेंगे तो हम दुखी मन से उसको डांटेंगे भी करेंगे भी, तो बच्चा क्या डेवलप होगा? हम कंपेयर करेंगे, वो इसका भाई तो ऐसे करता था, ये तो करता नहीं। भाई भाई की अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इसकी अलग है, तो वह वैसे ही बिहेव करेगा ना वो, जितना समय हम दे पा रहे हैं।